एबीपी गंगा खबर आपकी जुबान आपकी। 4 जनवरी 2021 की बात करें तो सातवें दौर की वार्ता भी अनिर्णायक रही, क्योंकि किसान नेता 3 कृषि कानूनों को रद्द करने पर अड़े रहे, वहीं सरकार ने इससे साफ इनकार कर दिया। फिर 8 जनवरी 2021 को आठवें दौर की बैठक हुई, जिसमें किसानों ने साफ कर दिया कि घर वापसी तभी होगी जब 3 कृषि कानून वापस ले लिए जाएंगे। वहीं सरकार ने किसान संगठनों से कहा कि वो कानूनों को रद्द करने की बजाय वैकल्पिक मांग के साथ आएं। तो ये पहले दो जो 4 जनवरी को बातचीत हुई और 8 जनवरी को बातचीत हुई, वो भी बेनतीजा साबित रही। बात अगर 12 जनवरी की करें तो सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए 3 कृषि कानूनों पर रोक लगा दी और एक कमेटी का गठन कर दिया। देखिए 22 जनवरी की बैठक के बाद अब इंतजार है कि कब बातचीत की टेबल पर एक बार फिर से आमने सामने आते हैं किसान और सरकार। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं खास मेहमान वीरेंद्र सिंह मस्त, सांसद भाजपा। बहुत बहुत स्वागत है वीरेंद्र सिंह मस्त जी आपका एबीपी गंगा पर। सबसे पहला सवाल तो यही है कि अब आगे क्या, कब बातचीत होगी किसानों और सरकार के बीच में? आवाज मिल रही है वीरेंद्र जी आपको? हाँ, अब आ रही है, आप पूछ लीजिए जी। सवाल मेरा यह है वीरेंद्र जी, अब आगे क्या होगा, कब तक उम्मीद करें ये देश के किसान और सरकार एक बार फिर से बातचीत की टेबल पर आमने सामने होंगे? दरअसल गांव में रहने वाले लोग अभी तक उनकी पंचायत की अवधारणा पर बहुत भरोसा रहा है जी। और पंचायत का मतलब होता है संवाद, संवाद से किसी तरह का समस्या का समाधान होता है। एक तो जो दिल्ली में या उसके आसपास में किसान के नाम पर जो आंदोलन हो रहे हैं, मैं कह सकता हूं कि पूरे देश के किसानों के समर्थन का ये आंदोलन नहीं, कुछ लोगों के किसानों का ये आंदोलन है। उसका बड़ा कारण है कि देश में हर प्रदेश में और हर 10, 20 या 50 किलोमीटर के दायरे में खेती के प्रकार बदल जाते हैं। पंजाब की खेती दूसरे तरह की होती है, केरल की खेती दूसरे तरह की होती है, उत्तर प्रदेश में पूर्वी उत्तर प्रदेश की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, बिहार की अलग अलग, बंगाल की खेती अलग तरह की होती है। तो जो कृषि का कानून बनाया है सरकार ने, बहुत बड़ी संख्या में किसानों को उसका समर्थन भी प्राप्त है, किसानों का समर्थन प्राप्त है। जिसका समर्थन प्राप्त है वीरेंद्र जी, देखिए जिसका समर्थन प्राप्त है वीरेंद्र जी, उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे। जो सब कुछ हो रहा है, जो इस देश का माहौल खराब हो रहा है, उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं कि उसका समाधान कब निकलेगा। अब क्या सरकार के पास आगे की तैयारी है? मैं यही बात कर रहा हूं कि किसी तरह के समस्या का समाधान अभी तक संवाद से ही हुआ। मैं पहली बार देख रहा हूं कि किसी आंदोलन करने वाले व्यक्ति से सरकार या किसी आंदोलन करने वाले समूह से सरकार संवाद करना चाहते हैं, उनके समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं। लेकिन आंदोलन करने वाले लोगों की शर्त है कि पहले आप जो कानून बनाए उसको वापस लीजिए। तो मैं यह भी बात कह सकता हूं कि मैं हजारों लोगों से, अभी कई प्रदेश के किसानों से संवाद करके आया हूं जी, कि बहुत सारे लोग इस कानून से सहमत हैं। आप अपनी असहमति जिस बात पर जता रहे हैं, सरकार उसको भी समाधान करने के लिए तैयार है। लेकिन मैं पहली बार देख रहा हूं कि पंचायत पर भरोसा करने वाले, संवाद पर भरोसा करने वाला किसान समूह संवाद करने के लिए तैयार। वीरेंद्र जी देखिए, सरकार में तो आप हैं ना सर, सरकार में तो आप हैं। किसान के आंदोलन पर भरोसे का संकट पैदा हो गया। वीरेंद्र जी देखिए, सरकार में तो आप हैं, अब आपको ही हल ढूंढना होगा ना कि आप कैसे उन तक पहुंचेंगे, कैसे अपनी बात समझाएंगे। इतना वक्त गुजर गया, 69 दिन हो गए आंदोलन करते करते, और इस बीच हमने 26 जनवरी की वो तारीख भी देख ली जिस दिन बदनाम हुआ हमारा गणतंत्र दिवस। अब कोई रोड मैप नहीं है सरकार के पास कि वो समझा पाए किसानों को? देखिए, सही बात यह है कि मैं किसान होने के नाते मैं कह सकता हूँ कि किसानों को अपनी मांग रखने के लिए
आंदोलन का मैं पक्षधर और मैं खुश हूँ, लेकिन ये पहला किसान आंदोलन है जिस पर भरोसे का संकट पैदा हो गया है और किसान आंदोलन किसान के समस्या को छोड़कर एक दूसरा मुद्दा तलाश रहा है। मैं इस बात को किसान भाइयों से और किसान आंदोलन करने वाले लोगों से मेरी प्रार्थना है कि भविष्य का कोई किसान आंदोलन फिर विश्वसनीयता प्राप्त नहीं कर पाएगा इस किसान आंदोलन से जो स्थिति पैदा हुई है। इसलिए किसान आंदोलन और किसान के नेताओं से संवाद की प्रक्रिया सतत शुरू होनी चाहिए। आप बेहतर समझ सकते हैं सरकार को, आप किसानों की समस्या को भी बेहतर समझ सकते हैं क्योंकि आपने लंबे वक्त तक किसानों को लेकर मुद्दे उठाए हैं और आपने राजनीति की है तो आप बेहतर समझ सकते हैं। तो जो भरोसा टूटा है किसानों का उसे पाटने के लिए क्या उपाय है, ये बात हम आपसे जरूर जानेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, चर्चा आपसे आगे भी करेंगे। फिलहाल ये बता देते हैं कि राकेश टिकैत क्या कह रहे हैं, क्योंकि 26 जनवरी की हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस ने सबक लेते हुए गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी कर दी है, तो वहीं किसान नेता राकेश टिकैत इसे लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। इस पर क्या कुछ कहना है राकेश टिकैत का, वो भी सुनिए। ये आंदोलन रोटी कैद ना हो, ये आंदोलन उसका है, ये किलेबंदी करी जा रही है, राजा के द्वारा किलेबंदी है, ये अनाज को इकट्ठा करने की किलाबंदी है। आपके सामने आ गया ये आंदोलन, अक्टूबर और नवंबर तक चलेगा, तैयारी हमें अक्टूबर और नवंबर तक ही करनी है। तो लगातार हमारे साथ वीरेंद्र मस्ती जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र जी, अब देखिए सवाल आपसे ये है, जिस तरीके से अब राकेश टिकैत को आप सुन रहे थे, अब उनके जो तेवर हैं वो नरम पड़ते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, वो तो सीधे सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अक्टूबर तक ये जो आंदोलन है वो चलेगा, अक्टूबर तक किसान यूं ही बैठे रहेंगे। तो अभी तो लंबा समय है, यानी लंबा जाता हुआ ये आंदोलन नजर आ रहा है, अब क्या होगा, किस तरीके से हैंडल करेगी, डील करेगी सरकार? नहीं, अक्टूबर तक चलाए चाहे नवंबर तक चलाए चाहे दिसंबर तक चलाए चाहे लगातार चलाए, वो उनकी मर्जी है, हमारी मर्जी तो है नहीं। हम ये उनसे एक किसान भाई होने के नाते, और राकेश जी मेरे परिचित है, मेरे यहाँ उनके संवाद आना जाना है, मैं उनसे निवेदन करूँगा कि उनको विचार करना चाहिए कि समाधान समस्या का कैसे होगा। समस्या का समाधान तो संवाद से ही, आज तक जितनी बड़ी बड़ी समस्याएं आई हैं दुनिया में उसका संवाद से ही समाधान होता रहा जी। सरकार संवाद करना चाहते हैं, मैं समझता हूं कि राकेश जी को, राकेश भाई को, उनका किसान खानदानी परिवार किसान परिवार है, मेरा भी किसान खानदानी परिवार है, मैं इस बात को जानता हूं, कह सकता हूं कि उनको संवाद से ही समाधान का रास्ता निकालना चाहिए और सरकार उनके हर समस्याओं के समाधान के लिए तैयार है और उस समस्या का समाधान चाहती है और जैसे भी संतुष्ट हो सकते हैं लोग चाहती है, लेकिन मैं शर्त पर अभी तक संवाद करने की प्रक्रिया मैं सुनी है। वीरेंद्र जी, देखिए एक तरफ संवाद की बात की जा रही है और दूसरी तरफ हम गाजीपुर की तस्वीर भी देख रहे हैं कि कैसे उसे अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर में तब्दील कर दिया गया है, किस तरीके के हालात वहां पर बन रहे हैं। खैर, आप बने रहिए हमारे साथ, अब आगे भी आपसे चर्चा करेंगे क्योंकि अभी जो किसान आंदोलन की आग है वो उत्तर प्रदेश से निकलकर अब आगे बढ़ चुकी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाद अब हरियाणा में बड़ी महापंचायत करने की तैयारी है। एक्सक्लूसिव जानकारी एबीपी नेटवर्क के पास है, जींद में होने वाली इस महापंचायत में राकेश टिकैत भी पहुंच सकते हैं। अलग अलग खापों ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है किसान आंदोलन की जमीन मजबूत करने के लिए। उत्तर प्रदेश के बाद हरियाणा में महापंचायतों का सिलसिला तेज हो सकता है। हालांकि ये साफ नहीं है कि जींद में होने वाली महापंचायत कब होगी, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जींद में भी अब बड़ी महापंचायत की तैयारी की जा रही है, जहां पर बड़ी तादाद में किसान जुट सकते हैं। तो देखिए वीरेंद्र जी, अब सवाल यही है कि जिस बात को आप कह रहे हैं कि अभी ये लंबा जाए या नहीं जाए, सरकार संवाद का रास्ता ढूंढ रही है, सर जल्दी ही रास्ता ढूंढना होगा क्योंकि अब सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नजर नहीं आ रहा है ये आंदोलन, जींद तक इसकी आग पहुंचने वाली है। नहीं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जहां भी आंदोलन चलाता, लेकिन ये भी मैं कह सकता हूँ, मैं भी खुद किसान हूँ, कि बहुत बड़ी संख्या देश में किसानों की इस कानून से बहुत बड़ी सहमति भी है। एक बहुत बड़ा किसानों की संख्या एक सहमति की भी है, यह बात मैं अभी संवाद करके आया हूँ, बात कर रहा हूँ। जिन लोगों की इनकी असहमति है, उन असहमति का समाधान भी सरकार चाहती है, उस संवाद से हल हो सकता है, संवाद से समाधान हो सकता है, उस पर आगे बढ़ना चाहिए।
लेकिन यह कहना कि हमारे ही शर्त पर पूरे देश के किसानों को काम करना चाहिए, मेरे समझ से यह संभव है, क्योंकि बहुत सारे करोड़ों किसान इस कानून से सहमत है। मैं खुद किसान हूं, मैं इस बात से सहमत हूं, दल के सांसद होने के नाते नहीं या किसानों के प्रतिनिधित्व होने के कारण से नहीं, मैं इस कानून से पूरी तरह सहमत हूं। और मैं हजारों किसानों से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश से बात करके आया, सब लोग, हजारों किसान, लाखों किसान, इस बात से करोड़ों किसान। देखिए, फिर सवाल वीरेंद्र जी यही खड़ा हो जाता है कि जब इतना अच्छा है ये कानून, तो फिर आप समझा क्यों नहीं पा रहे हैं किसानों को, वहां तक अपनी बात क्यों नहीं पहुंचा पा रहे हैं।